नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट की सुविधा वर्तमान समय में मिल रही है। हालांकि बिहार सरकार की यही कोशिश है कि बिहार में विमानों की आवाजाही को और ज्यादा बढ़ाया जाए और कनेक्टिविटी को और ज्यादा जोड़ा जाए। यही कारण है कि अलग अलग जगहों पर भी एयरपोर्ट निर्माण का काम शुरू करवाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत ही बहुप्रतीक्षित बेहटा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है, क्योंकि अब तक मिली जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कर लिया गया है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगस्त महीने से सितंबर महीने के बीच में निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इसको लेकर राज्य सरकार ने 108 एकड़ जमीन भी दे दी है, जिसकी चार दीवारी कर दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मिले निर्देश के बाद जल्द ही बाकी बचे काम को पूरा कर लिया जाएगा। 1 से 2 महीने में एयरपोर्ट निर्माण शुरू करने के लिए टेंडर निकाला जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद 3 से 4 महीने का समय लगेगा। एजेंसी चयनित होने के बाद उसे वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। अब तक मिली जानकारी को देखें तो एयरपोर्ट के निर्माण पर कुल 800 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 25 लाख यात्रियों की होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है, साथ ही ये भी साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर क्षमता को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस एयरपोर्ट में एयरोब्रिज जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद रहेंगे। पटना एयरपोर्ट से 700 मीटर बड़ा यहां का रनवे बनाया जाना है, जिसको भी भविष्य में और आगे बढ़ाया जा सकेगा, ताकि यहां जम्मू जेट और कार्गो फ्लाइट लैंड कर सके। हालांकि उसके लिए अतिरिक्त 150 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इतनी जमीन का अधिग्रहण बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पटना एयरपोर्ट का रनवे बहुत छोटा है, जिसके कारण कई बार हादसे भी टल गए हैं। लंबे समय से बिहटा में एयरपोर्ट बनाने की पहल हो रही थी, अब वो धरातल पर उतरने को है। इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट को शुरू किए 1 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान दरभंगा एयरपोर्ट का बहुत बेहतर संचालन हुआ। यहाँ विमानों की संख्या में भी इजाफा कर लिया गया है। आने वाले दिनों में यहाँ से अलग अलग शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।